हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था, सर एओडी पर सर वीडियो बनाइए, टॉप क्वेश्चंस करवाइए। तो आज मैं आपको एओडी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले पार्ट के 5 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। उससे आपके काफी लॉजिक कवर होंगे और उस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, सैंपल पेपर में भी दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि अगर आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देना है। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट है, आपको ये देखना है वो कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। तो अगर ये वैल्यू 0 है से बड़ी है जिस भी इंटरवल में, यानी कि एक्स की वैल्यू पे, अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होगा, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा उस केस में फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा दूं तो उस केस में आप फंक्शन इंक्रीजिंग लिख सकते हो, फंक्शन इंक्रीजिंग लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली वर्ड होगा तो फिर जीरो काउंट नहीं होगा, जीरो से बड़ी वैल्यू काउंट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिमिलर, अगर एफ डैश एक्स किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, यानी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो सिर्फ डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। उस केस में जीरो अगर काउंट है तो सिर्फ डिक्रीजिंग भी आप बोल सकते हैं। यानी कि आपको बेसिकली डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई क्वेश्चन आता है आप सिंपल डिफरेंशिएट करें, उसके बाद आप ये देखें कि वो किस इंटरवल में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, किस में नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसको एफ एक्स भी लिख सकते हो, दिस इज एफ एक्स। ठीक है, अब करो जरा डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें और इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाहर आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहां से आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें और इसमें e की पावर माइनस एक्स मिल रहा है कॉमन, तो यहां पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये कॉमन लिया यहां से आ गया 2x, क्या आ गया 2x, तो यहां से आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स, अगर मैं यहाँ पे x कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे आएगा माइनस का x प्लस टू। इस तरीके से रिजल्ट हमें मिलेगा और हमें चेक करना है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो यहाँ तक। यहाँ तक तो अभी तक मैंने डेरिवेटिव करा है, यहाँ तक तो मैंने सिर्फ डेरिवेटिव करा है। देखो अब ये कुछ रिजल्ट आया है, अब आपको ये देखना है कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, मतलब कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि e की पावर x वाला जो रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे e की पावर x हो चाहे e की पावर माइनस एक्स हो, वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देता है, ये चीज पता होनी चाहिए। अब इसके बारे में अगर हम बात करें x माइनस इसके बारे में, तो ये दो फैक्टर है। आई होप फैक्टर आपको सॉल्व करना आता हो कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। उससे पहले मैं माइनस कॉमन लूंगा, इसमें क्या करूंगा, माइनस ले लूंगा कॉमन। क्यों ले रहा हूं कॉमन, जिससे इस वाले नंबर में जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव हो जाए, यानी ये एक्स माइनस टू बन जाए। ठीक है, एक्स माइनस टू बन जाए। अब ये तो मुझे पता है कहां मतलब ये तो पॉजिटिव है, इसके बारे में अगर मुझे पता करना है तो आपको पता होगा एक नंबर लाइन हम बनाते हैं, इस नंबर लाइन पे जो भी हमारे x के मतलब जो फैक्टर हैं उनसे जो x की वैल्यू निकल रही है वो नंबर लाइन पे लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू 0 आ रही है और यहां से 2 आ रही है, फिर इस इंटरवल में आप देखोगे इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मतलब इन दो जीरोस ने, इन दो x की वैल्यूज ने इसको 3 एक पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए इस तरीके से बना लिया करो, हमेशा इधर से पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस इंटरवल में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसका इस वाले टर्म का, इधर नेगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव आएगा। ठीक है,
लेकिन चलो हमें इतना तो पता लग गया कि ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पॉजिटिव देगी, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है e की पावर माइनस एक्स। लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से अगर मैं टोटल एफ डैश एक्स की बात करें, टोटल देखो ये वाला टर्म तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है पता लगता है, ये तो वैसे भी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से अगर मैं ओवरऑल एफ डैश एक्स की बात करूं तो जहां चीज पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, जहां नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव हो जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे होता ना, जैसे एक्स पॉजिटिव है मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, माइनस टाइम्स हो जाता है। तो वैसे ही अगर ये चीज के बारे में हमें पता था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस है तो ओवरऑल इसको देखूंगा तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव का मतलब है कि जीरो से टू वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नेगेटिव का मतलब है कि टू से इनफाइनाइट तक जब आप लोगे तो नेगेटिव होगी। सिमिलर माइनस इनफाइनाइट से जीरो लोगे तब भी नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब हमें निकालना था इंक्रीजिंग यानी पॉजिटिव वाली वैल्यू। तो कहां से कहां तक है, जीरो से टू, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो से टू है डी पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप फिर से देख लो अगर आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेम तरीके से आपको करना होगा। लिखा है फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। चलिए डिफरेंशिएशन कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री टू जो सिक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स यानी 18x प्लस का 12, ये आ जाएगा। सिक्स कॉमन मिल रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 आ जाएगा। तो अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, यानी आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, फैक्टर देखने होते हैं कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव है। तो 2 इंटू 1 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस 2, 6 इंटू इन दोनों में x कॉमन मिला तो x प्लस 2, इन दोनों में 1 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। तो फाइनली हमारा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 6 ब्रैकेट, एक फैक्टर हमारा x प्लस 2 है और एक फैक्टर हमारा x प्लस 1 है, एक फैक्टर x प्लस 1 है। ठीक है, आई बस में तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 2 और एक फैक्टर आ गया हमारा x प्लस 1। ठीक है, आई होप आपको इतनी सी चीज क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक नंबर लाइन लेता हूं, x की वैल्यू एक माइनस 2 आ रही है और एक माइनस 1, तो वही रूल सेम है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। हमसे बोला डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब है माइनस वाला पार्ट, तो माइनस वाला पार्ट कहाँ है, माइनस 2 से माइनस 1 में, यानी आंसर आएगा बी पार्ट। ये आप ध्यान रखें, जब भी फैक्टर आएंगे ना, चाहे दो हो चाहे तीन, सेम तरीके से नंबर लाइन पर बनाओ, सबसे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट चलता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी मैं एक चीज आपको दिखा दूं, ये जो अपना मैथमेटिक्स चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाना, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्लास 12 का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए बना रखा है, एनसीईआरटी एग्जामिनर का सॉल्यूशन पूरा है आपके पास, वन शॉट वीडियोस भी हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो यहाँ पे आप देखोगे ना, सिर्फ 5 चैप्टर मिलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे नीचे तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इस पर क्लिक करो एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो आप इसमें देख लेना, बहुत परफेक्ट आपके पास सारी चीजें हैं, एमसीक्यू है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको सारे असाइनमेंट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कुछ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करें तो लिखा है लेंथ ऑफ वन ऑफ द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो साइन 3x डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस 3x इंटू 3। अब 3 तो कांस्टेंट नंबर है, जो भी होगा इसके अकॉर्डिंग चलेगा, कॉस 3x के अकॉर्डिंग, कि ये कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। और इसमें ये बोला है, इसमें ये नहीं बोला कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इसमें बोला है लेंथ ऑफ वन ऑफ द इंटरवल, मतलब इंक्रीजिंग तो है, मान लो कोई कह रहा है कि 0 से पाई में इंक्रीजिंग है फॉर एग्जाम्पल, या फिर पाई से 2 पाई में है, तो लेंथ का मतलब है किस इंटरवल में, तो ठीक है
उसकी पूरी लेंथ कितनी है, इंटरवल पूरा नहीं बताना है, लेंथ बतानी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले तो आपको cos 3x का ग्राफ पता हो भाई कैसा बनता है cos 3x का ग्राफ, तो मैं ग्राफ बनाता हूं। अगर आप cos x का ग्राफ बना लेते हैं तो cos 3x का भी ग्राफ बना लोगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो ग्राफिकली थोड़ा समझ लेना। तो क्या होता है, cos का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहां आपका माइनस पाई बाई टू होता है, यहां जीरो होता है, ये तुम्हारा पाई होता है, ठीक है, सॉरी पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है, फिर थ्री पाई बाई टू और इस तरीके से टू पाई, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई, ये तो cos cos x का बनाया मैंने ग्राफ, किसका बनाया, cos x का, लेकिन आप चाहते हो कि cos 3x का ग्राफ बनाना है, तो एक ट्रिक है सिंपल सी। अगर मुझे cos 3x का ग्राफ बनाना है तो मुझे क्या करना है, सब में 3 से डिवाइड कर दो, हर एक इंटरवल में 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, हर एक इंटरवल में। तो फाइनली ये ग्राफ जो है मैं अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, cos 3x का, जिसमें सिर्फ cos 3x ही दिखाई दे। y इक्वल टू, मैं cos 3x ग्राफ बना रहा हूँ, सेम बनाना है, ठीक है। 3 का जब मल्टीप्लाई कर दिया नीचे तो पाई बाई 6 बन गया, यानी ये पाई बाई 6 हो गया, 2 3 6, यानी ये वाला भी पाई बाई 6 बन गया, ये तो पाई बाई 3 बन गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 3 2 6 हो गया, या 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया। इतना देख लो, इतने से भी काम चल जाएगा। फिर से बता दूं ग्राफ कैसे बनता है। अगर आपको cos x का ग्राफ पता है और आपको cos 3x का निकालना है या फ्यूचर में cos 2x का निकालना है, तो जो भी x का कोफिशियंट है उससे डिवाइड कर दो हर एक इंटरवल में, यानी इधर इधर, मतलब सब में डिवाइड कर दिया, तो फाइनली ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब आप बताओ इस ग्राफ को देखते हुए, कोई भी देख लो पार्ट, कि ये cos 3x कहाँ पे पॉजिटिव है। आप देख पा रहे हो कि x एक्सिस से ऊपर, क्या यहाँ पे पॉजिटिव है, यस और नो, हालांकि यहाँ पे भी है। तो आपको क्वेश्चन में बताना था कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इंटरवल, यानी कोई एक इंटरवल बता दो जिसकी लेंथ क्या है, ऐसा कोई भी एक इंटरवल चेक कर लो जिसपे इंक्रीजिंग हो, और वो एक लेंथ बता दो कितनी। लेंथ का मतलब क्या होता है, कि आपको ये डिस्टेंस बतानी, यानी ये लेंथ कितनी है, क्योंकि यहीं पे तो पॉजिटिव है, तो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 तक की लेंथ कितनी होगी। अब कुछ बच्चे बोल देंगे सर जीरो ऐड करेंगे, ऐसा नहीं, आप बताओ, अभी समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस 2 होता और ये 2 होता है, तो क्या आप इसमें बोलो ये लेंथ बताओ कितनी है, तो आप क्या जीरो बोलोगे, आप बोलोगे नहीं सर, ये तो माइनस सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कर रहा है कि इधर जाना है उधर जाना है, अल्टीमेट तो ये 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है, तो टोटल कितना बनेगा 4 यूनिट, यानी आप ऐड करते हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, यानी पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, यानी 2 पाई बाई 6, तो क्या पाई बाई 3 आ जाएगा, यानी ये जो लेंथ है उस इंटरवल की जहां पे ये इंक्रीजिंग है यानी पॉजिटिव है, तो वो लेंथ कितनी आ रही है, पाई बाई 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा, और जो कि आंसर है पाई बाई 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लो अगर कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये बताना है कि ये फंक्शन किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, किसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलिए पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, कॉस, ठीक है। अब आपको कॉस माइनस साइन मिला है, तो आपको कॉस और साइन के बारे में पता होना चाहिए अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। अब आप बताओ इंक्रीजिंग कब होगा, जब कॉस की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, साइन से, ठीक है, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब साइन की वैल्यू ज्यादा होगी कॉस से, भाई माइनस वाला टर्म बड़ा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई कॉस एक्स कहाँ बड़ा होता है, किस इंटरवल में बड़ा होता है। तो शुरुआत से चलें, जीरो से पाई बाई 4 तक चलें, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और साइन 0 कितना होता है 0, यानी कॉस की वैल्यू बड़ी होती है। तो कॉस एक्स को अगर आप देखोगे कि वो कहाँ बड़ा है साइन एक्स से, तो आपको पता लगेगा कि ये इंटरवल आपको मिलेगा दो जगह, 0 से पाई बाई 4 में मिल जाएगा, ठीक है, 0 से पाई बाई 4 में मिलेगा, शुरुआत में मिल जाएगा 0 से पाई बाई 4 में, फिर क्या होगा, फिर साइन एक्स कब बड़ा हो जाएगा, फिर साइन एक्स बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे कब बड़ा हो जाएगा, जैसे ही पाई बाई 4 के आगे निकलोगे, कब तक,
अब सीधी बात है कब तक, तो 180 ऐड कर दो, पाई बाई फोर में 180 ऐड करोगे तो 5 पाई बाई फोर आ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई चीज आगे बढ़ती है जीरो के बाद, यहां तक पाई बाई फोर में आप वैल्यू पुट कर करके देख लेना, कॉस बड़ा आता है, ठीक है, कॉस की वैल्यू जो होती है बड़ी आती है, पाई बाई फोर के बाद जैसी देखोगे तो फिर 180 ऐड करना पड़ेगा, तो पाई बाई फोर में अगर आप 180 ऐड करोगे, यानी पाई ऐड करोगे तो 5 पाई बाई फोर आएगा, तो फिर 5 पाई बाई फोर तक साइन बड़ा रहेगा, ठीक है, अच्छा जी, और वापस जैसे 5 पाई बाई फोर निकलोगे और आगे यानी 2 पाई तक, उस टाइम फिर कॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड होता है, ये याद रखो क्योंकि बहुत क्वेश्चन में यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कॉस जो बड़ा है वो कहाँ पे है, इस इंटरवल में, जीरो से पाई बाई फोर, पाई बाई फोर से टू पाई, तो इसी इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, लेकिन हमसे पूछा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है, तो भाई जहां पे साइन बड़ा होगा यानी नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा है वहां पे डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आएगा, तो साइन बड़ा कहाँ पे है, पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। तो ये आप याद रखिए कि कॉस किस इंटरवल में बड़ा होता है और साइन किस इंटरवल में, आप वैसे भी पेपर में जो जो हाईएस्ट लेवल तक आ सकता है क्वेश्चन वो यही आता है, तो आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ, नोट कर लो कि साइन की वैल्यू पाई बाई, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है वो जीरो से टू पाई के इंटरवल में लिखी है, इस इंटरवल में याद कर लो, कि ये इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर में साइन की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, और पाई बाई जीरो से पाई बाई फोर में और फाइव पाई बाई फोर से टू पाई में इसमें कॉस बड़ा होता है, चेक करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख लेना, आपको पता लग जाएगा 30 डिग्री 45 डिग्री आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये चीज सही है, तो लेकिन अब पेपर आ रहे हैं तो आप याद रखो और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अच्छा जी, तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको सर्कल मान लो, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू, ठीक है, अब अंदर वाले पार्ट का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स, तो फाइनली आ गया कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर एफ डेस एक्स। अब आप बताओ ये एफ डेस एक्स पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा बताओ, देखो 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करोगे वो कहां से डिसाइड होगा, कॉस माइनस साइन से, मैंने कहा था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कॉस माइनस साइन किस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, तो मैंने पीछे बताया था कि कॉस बड़ा कब होता है, जब जीरो से पाई बाई फोर में हो या फिर इसमें हो, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू बड़ी होती है जीरो से पाई बाई फोर में, साफ साफ आंसर ए पार्ट दिख रहा है कि नहीं, पाई बाई फोर से पाई बाई टू की बात करें तो साइन बड़ा होता तो यहाँ तो डिक्रीजिंग आ जाएगा, जीरो से पाई की बात करें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है फिर तो नन ऑफ दीज है, तो हमारा इंक्रीजिंग कहाँ आएगा, जीरो से पाई बाई फोर, क्योंकि जीरो से पाई बाई फोर में कॉस की वैल्यू बड़ी होगी तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिल जाएगा और हमसे इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये टॉप 5 क्वेश्चंस थे, इनको करने के बाद आपको काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, ठीक है, आप नेक्स्ट चैप्टर किस पे चाहते हो कि किस पे ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन बनाए जाएं, आप कमेंट सेक्शन जरूर लिखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय, लास्ट में की बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।